नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। कोरोना काल की शुरुआत से ही भारत पर काल मंडरा रहा है। इस दौरान हमने कई सितारों को खो दिया। 2020 से चले आ रहे इस बुरे दौर ने 2021 में भी कई सितारों को हमसे छीना है। एक के बाद एक आई बुरी खबर ने भारत को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। उन सितारों को 2021 का हमारा अंतिम सलाम, जिन्होंने इस साल हमें अलविदा कह दिया और सभी की आंखें नमकर चले गए। सबसे पहले बात करते हैं हम दिलीप कुमार के बारे में। मोहम्मद यूसुफ खान बॉलीवुड में दिलीप कुमार के नाम से जाने गए। दिलीप कुमार को बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने अपनी अंतिम सांस ली थी। अब बात करते हैं रोहित सरदाना के बारे में। आज तक के तेज सरार और वरिष्ठ पत्रकार में शुमार रोहित सरदाना का कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। बालिका वधू सीरियल से मशहूर होने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 जीता था, साथ ही उनकी बिग बॉस कंटेस्टेंट शहनाज गिल के साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री भी थी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार सुरेखा सीकरी ने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। सुरेखा को 16 जुलाई 2021 को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। सुरेखा ने कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम भी किया है। फिल्मी दुनिया के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी 2021 को हुआ था। इससे पहले उनके बड़े भाई और बॉलीवुड के मशहूर कलाकार ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली हो गई में बेहतरीन अदाकारी भी की थी। अब बात करेंगे राज कौशल के बारे में। अदाकार मंदिरा बेदी के पति और बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर राज कौशल ने 30 जून 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हार्ट अटैक से उनकी मौत की वजह बताई गई थी। अब बात करते हैं यशपाल शर्मा के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन 13 जुलाई को हुआ था। बताया गया है कि उनका निधन दिल का दौरे पड़ने से हुआ था। यशपाल भारत की 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत का परचम लहराने वाले मिल्खा सिंह का निधन 18 जून की रात को हुआ था। कोरोना वायरस के चलते मिल्खा सिंह का निधन हो गया था। उन्होंने 91 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली थी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें वीडी टीवी भारत।